रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। महाशिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में पांडव काल के समय के पौराणिक मंदिर गसोता महादेव मंदिर में सुबह तड़के से ही शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी और शाम तक भक्तजनों ने स्वयंभू शिवलिंग के ऊपर दूध बेलपत्र भांग चढ़ाकर पूजा अर्चना की। गसोता महादेव मंदिर की सजावट देखते ही बन रही थी क्योंकि इस बार थाईलैंड, कलकत्ता, मद्रास के फूलों से मंदिर को सजाया गया था। महाशिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में पांडव काल के समय के पौराणिक मंदिर गसोता महादेव मंदिर में सुबह तड़के से ही शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी और शाम तक भक्तजनों स्वयं भू शिवलिंग के ऊपर दूध बिलपत्र भांग चढ़ाकर पूजा अर्चना की। भक्तजनों ने स्वयं भू शिवलिंग के ऊपर दूध बिलपत्र भांग चढ़ाकर पूजा अर्चना की। गसोता महादेव मंदिर की सजावट देखते ही बन रही थी क्योंकि इस बार थाईलैंड, कलकत्ता, मद्रास के फूलों से सजाया गया था। गौरतलब है कि गसोता महादेव मंदिर में हर साल ही महाशिवरात्रि पर्व के लिए भव्य कार्यक्रम का आयोजन होता है और दूर दूर से भगत जन मंदिर में माथा टेकने के लिए पहुंचते हैं। लाइनों में लगकर माथा टेकने के लिए आए हुए लोगों ने बताया कि हर साल ही शिवरात्रि पर्व को मनाने के लिए आते हैं। उन्होंने बताया कि मंदिर में हर मनोकामना पूरी होती है, इसलिए लोगों की आस्था मंदिर में बनी हुई है। तो ये शिव जो है वो स्वयं भूत रखते हैं, इनकी बहुत ही मान्यता है ना। और बिलपत्री और भांग जो है वो इनके लिए तो शुभ है और इनकी इनके लिए तभी चढ़ाती है। हर साल हम यहीं के हैं, मिलती के हम तो हर सोमवार को इधर आते हैं। शिवरात्रि से पूजन करने जाएंगे, चार पैर पूजा करनी है। हमारा पंधेड़ा घर है, पंधेड़ा हमारे शिवालय के हमें चार पैर पूजा करनी है आज सारी रात। और बड़ा मजा हुआ, बड़ी भारी मानता है ये बहुत। यहाँ जो इसका जो शिवलिंग है जी, वो बना मतलब आदमी निर्बनिया ऑटोमेटिक बना हुआ है। जब भी यहाँ एक हल चला रहा था तो वह हल में से खून निकला, फिर उस किसान ने खोद के देखा तो वहाँ शिवलिंग था, उस शिवलिंग से खून निकला। वो शिवलिंग यहाँ स्थापित किया हुआ है। ये यहाँ पे एक दफ़ा की पूरी बात सुनना मेरी आपने, एक दफ़ा मेरे जीजा जी के ऊपर गए थे अपने नीलकंठ ठहरो कहीं भी गए, वहाँ उन्होंने उनको एक महात्मा मिला। तो उस महात्मा ने कहा कि आप कहाँ पे हो, तो मेरे जीजा ने कहा कि हम गसोते के रहने वाले हैं। तो उन्होंने ये कहा महात्मा ने कि आपको यहाँ नीलकंठ या कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि गसोता महादेव में महादेव 24 घंटे में एक बार जरूर फेरा डालते हैं। ये हिंदुओं का पवित्र त्यौहार है और ये वैसे भी पूरे देश भर में मशहूर त्यौहार है ये। और ये जो अपना गसोता महादेव का मंदिर है, ये तो काफ़ी प्राचीन मंदिर है और इसमें तो इसकी मतलब जैसे हर मंदिर जो है अपने अपनी मान्यता तो लगता है, वैसे हर मंदिर में फंक्शन हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन जो ये पुरातन मंदिर है, काफ़ी पुराना मंदिर है इसमें और काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु से आते हैं अपना मतलब जो भी है मतलब अपनी श्रद्धा के मुताबिक दूर दूर से आना, उन्होंने अपनी श्रद्धा के मुताबिक मत्था टेकना है करना। तो मतलब है कि इसकी जो मान्यता है जो काफ़ी प्राचीन मंदिर के गसोता मंदिर कमेटी प्रधान ने बताया कि शिवरात्रि पर्व को लेकर मंदिर में विशेष तैयारियां की गई हैं और मंदिर में लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो इसका पूरा ख्याल रखा गया है। उन्होंने बताया कि मंदिर में रात के समय जागरण होगा तो कल विशाल भंडारा भी लगाया जाएगा। महाशिवरात्रि भगवान भोलेनाथ का और गसोता महादेव का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। इसे मंदिर कमेटी तथा इलाका निवासी बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं तथा श्रद्धालुओं के लिए इसके लिए प्रसाद रहने की हर एक व्यवस्था की जाती है। कमेटी अपनी तरफ से कोई, लेकिन अगर कहीं कोई कमी पेशी हो, बड़े पर्व में कोई कमी पेशी रह जाती है, उसके लिए मैं श्रद्धालुओं से क्षमा चाहता हूँ तथा सभी के भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि सभी की मनोकामना पूर्ण हो। कल के लिए क्या कार्यक्रम है? कल के लिए महाभंडारा होगा जिसमें जितने भी श्रद्धालु या बाहर से कोई भी जनता आएगी उसके लिए
खाने की व्यवस्था की जाती है महाभंडारे में। लोगों द्वारा जो भी अपनी तरफ से चाहे किसी प्रकार का भी कोई भी खाद्यान्न हो उसको उस भंडारे में सम्मिलित किया जाता है। ऐसे है कि देखो भगवान भोलेनाथ के इस पर्व पे महाशिवरात्रि पे अच्छा आकर्षण पैदा हो इस मंदिर में, इसलिए इसके लिए बाहर से फूल मंगवाए गए हैं। ये किसी दानी सज्जन ने दिए लेकिन उनका नाम नहीं बता, ये कलकत्ता से आए हैं, थाईलैंड से भी कुछ फूल आए हमारे जो खुशबूदार है। मंदिर कमेटी सदस्य प्रकाश पटियाल ने बताया कि गसोता महादेव मंदिर धार्मिक आस्था का प्रतीक है और मंदिर के निचले स्थान पर प्राकृतिक पेयजल स्रोत है जिसकी सप्लाई दर्जनों पंचायतों को है। उन्होंने बताया कि खेतों में हल जोतते समय स्वयं ही भूपिंडी प्रकट हुई थी और उसके बाद गसोता में शिविर को स्थापित किया गया। मेरा नाम प्रकाश पटियाल है और मैं रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर हूँ और अपनी रिटायरमेंट के बाद यहाँ अपनी सेवाएं दे रहा हूँ मंदिर में। तो जहाँ तक इस मंदिर की बात है तो ये इलाका के लोगों के लिए एक धार्मिक आस्था का ये प्रतीक है और धार्मिक आस्था के साथ साथ इसके साथ एक नीचे गंगा भी बहती है, प्राकृतिक गंगा, जिसके पानी से 45 गांव के लोगों को पानी की सप्लाई है और साथ में उसके अतिरिक्त भी पानी जो है नदी को जीवित रखने के लिए भी छोड़ा जाता है। तो ये पानी लगातार चल रहा है, ये भोले की गंगा है, इसको कोई नहीं समझ पाया कहाँ से पानी आता है, ये आज तक कोई पता नहीं चला है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी हमें बताते रहे, जिसे हम कविंदती कहते हैं, कविंदती के अनुसार कि घमारमी गांव का कोई पंडित जी खेत में हल चला रहे थे तो खेत में उनके जो हल के आगे एक लोहे का पीस लगा होता था, उसको हम देसी भाषा में लोहाड़ू बोलते हैं, तो लोहाड़ू के साथ वो जो है उसका टकरान हुआ। तो जब उन्होंने पहले तो ख्याल नहीं किया क्या है, ऐसा कहते हैं कि पहले वहाँ खून निकला फिर दूध निकला, तो जब ये सारी बातें हुई तो उन्होंने उसको निकाला। तो जब उन्होंने कहा कि भाई कोई इसको ले जाना चाहता है, ये स्वयं प्रकट हुए हैं, ये जो शिवलिंग है ये स्वयं प्रकट हुए हैं, कोई बनाया नहीं गया किसी ने, और उनको वहाँ से उन्होंने कहा भाई कोई इसको ले जाना चाहता है तो ले जाए। तो कैडरू गांव पड़ता है ध्रोव पंचायत में, वहाँ के लोगों ने कहा कि हम इसको अपने गाँव में ले जाएंगे, वो पालकी में उठा के ले जा रहे थे, इस स्थान पर आके उन्होंने इसको रखा, पानी पूनी पिया, फिर उठा नहीं, फिर यही मंदिर बना दिया गया और तब से ये जो है इसका पूजन चल रहा है। और कैडरू गांव वालों का ऐसा था कि जब कभी यहाँ बारिश नहीं होती थी गर्मियों में तो कैडरू गांव के लोग नीचे नौन जहाँ से गंगा बह रही है वो पानी लाके शिवलिंग पे डालते थे और जो पानी जब जाके नदी में नीचे मिल जाता था तो बारिश हो जाती थी, ऐसा कहते हैं और ऐसा होता रहा है। अब क्योंकि साइंस बहुत आगे निकल गई है इस तरफ लोगों का ध्यान थोड़ा कम हो गया, लेकिन हमें अपना इतिहास नहीं भूलना चाहिए। गसोता महादेव मंदिर के महंत राघवानंद जी महाराज ने शिवरात्रि पर्व की सभी को बधाई दी और कहा कि मंदिर में हर साल की भांति इस बार भी भक्तों की भीड़ उमड़ी है। उन्होंने बताया कि महादेव के दर्शनों के लिए लंबी लंबी कतारें लगातार भगत अपनी बारी का इंतजार करते माथा टेक रहे हैं। महाशिवरात्रि के विशेष पर्व अवसर पर समस्त आए हुए श्रद्धालुगण यात्रीगण, हिमाचल प्रदेश के विशेष सभी श्रद्धालुगण को महादेव गसोता की तरफ से हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और चारों तरफ से बाल वृद्ध नारी अपार जन समूह के साथ विशाल समूह में चारों तरफ से महादेव के दर्शन हेतु उमड़ पड़े हैं। लंबी लंबी कतारें, उसकी व्यवस्थाएं की गई हैं, किसी भी यात्री को कहीं से कोई असुविधा न हो, हर प्रकार की सुविधाओं से इनको पूरी तरह से विशेष निगरानी के लिए लोग चारों तरफ लगे हैं कि किसी भी यात्री को कोई असुविधा न हो। Thank you.